हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और फैन टू प्ले पावर्ड फैंटेसी मैच रिव्यू में ये गेम होगा लखनऊ वर्सेस मुंबई के बीच एंड ये होगा एकान्ना एक स्टेडियम में जिन्हें हम पॉपुलर कहते हैं डस्ट बोल बहुत सारे बहुत सारे स्पिन के विकल्प एंड निखिल भाई हमारे साथ तो आपको एक गूगली के साथ स्टार्ट करेंगे निखिल भाई कितने स्पिन हजलोगे अब आज के गेम में साढ़े छो साढ़े सा हाफ है वो हम बाद में गिनाएंगे बट स्टार्ट करेंगे करें। क्योंकि ये गेम है ऑल अबाउट वेन्यू तो स्टार्ट करेंगे वही सेक्शन के साथ एंड वेन्यू कंडीशन से पहले लास्ट गेम का जो जर्सी गिव अवे था हमारा दिल्ली वर्सेस पंजाब के गेम का उसका विनर है अरविंद धवन एट ऑफ फाइव काफी क्लोज आए सेवन ऑफ फाइव था उनका एक्चुअल स्कोर

ट्वेंटी टू यार्ड विच विलोकस यहाँ पे ट्रैक जनरली काफी स्लो रहता है एंड हमने देखा है कि इंटरनेशनल करता है उन्हें फेवरेबिलिटी मिलती है क्योंकि जैसे गेम प्रोग्रेस होता है वैसे ही ट्रैक स्लो होता जाता है एक पॉइंट जो आपको ध्यान देना है एट द पिच रिपोर्ट की ये क्या कहेंगे क्या रेड सॉइल विकेट पे खेलेंगे या ब्लैक सॉयल विकेट पे क्योंकि ब्लैक सॉयल विकेट वो विकेट है जहाँ पे बाउंस अनइवन है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है शॉर्ट मेकिंग

यस एप्सोल्यूटली सो बैटर्स होंगे आपके लिए की नॉट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ पॉइंट बट यू पिक सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कौन से होंगे लिए इस गेम में सो बेस्ट टीम एंड स्टार्ट स्ट्रेट विद कीपिंग सेक्शन यहाँ पे होंगे तीन विकल्प हमारे लिए क्विंटन डिकॉक एंड किशन जो आपको कीपिंग के साथ भी हैंडी पॉइंट दे सकते हैं लास्ट पे क्या पुरान इसपे एटलीस्ट मैं पर्सनली थोड़ा सा फिफ्टी फिफ्टी हूँ जो लास्ट गेम था वहाँ पे आके उन्होंने बहुत अच्छे से गेम फिनिश किया था बट हमने देखा है कि जब ट्रैक थोड़ा सा स्लो होता है एंड ऐसे बैटर जब शॉर्ट आफ्टर शॉर्ट जाते हैं तो एक शॉर्ट तो हमे में ऊपर कैच के लिए चला ही जाता है हमने वो आर सी बी वाले गेम में भी देखा था जो लखनऊ में खेला गया था कि उन्होंने स्टार्ट एकदम फेबुलसली किया बट वो जो एक आध बॉल उनको खेल के निकालना था उन्होंने नहीं निकाला So, भाई क्या लगता है आपको You'll stick with in the base team? Uh, पुरन को लेने का सिंपल सिंपल कारण यही था कि uh, जो जितना 10 बॉल hmm. so, uh, yes, <laughs> तो में 20-25 ही मारेंगे ज्यादा नहीं मारेंगे और क्विंटन hmm. स्टम्पिंग के भी चांसेस दे देंगे तो क्विंटन और ईशान को रख के यू कैन टेक एन एक्स्ट्रा बोलिंग ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू पर वो ये इस गेम में सभी लोग सभी बोलिंग ऑप्शन लेके आएंगे तो अगर डिफरेंस आपको कोई प्लेयर चाहिए और ऐसा चाहिए जो पिछले गेम में देखो तेरह बॉल में फोर्टी फोर था हर बार वो नहीं होगा बट द थिंग इज दैट इज ही इज़ बिल्ड फॉर देट तब वो पूरा मुंबई किसको बॉलिंग कराती है उसके सामने क्योंकि मुंबई की बॉलिंग भी इतनी ज़्यादा हमेशा खास नहीं रही सो देव टेकन विकेट्स विद न्यू बॉल जब पूरा आएंगे

एंड वाइल रोहित का भी फॉर्म नहीं रहा है एक और रीजन है उनको नहीं आप उनको नहीं ले पाओ वो है कि वो अमित मिश्रा के सामने सात बार आउट हो चुके हैं एंड स्ट्राइक रेट भी उनका हंड्रेड के नीचे है वाइल हमें ये भी पता है कि मिश्रा जी किशन को तीन बार आउट कर चुके हैं वो भी सिर्फ आठ बॉल में एंड सूर्या का लेफ्ट आर्म स्पिन का मैचअप तो हम सब जानते हैं एंड साथ साथ वो लेग स्पिन रवि बिश्नोय को भी तीन बार आउट हो चुके हैं बट यही चीज है कि मैचअप्स तो इस गेम में सब बैटर्स के होंगे बट आपको दो बैटर लेकर ही चलने हैं जहां भी आप खेलो तो yep. वो हिसाब से एंड टोटली बेस्ड ऑन जैसे conditions are, ये दो बैटर चलने चाहिए तो तो आप match up and data इस ground पे देखने जाओगे तो आपके पास एक भी बैटर नहीं बिल्कुल तो आपको लेना ही है। uh, again, एक हम बार-बार ऐसे -बार भी कहते हैं जो, जो deck slow जाता है उसमें power play शायद best होता है बैटिंग करने के। तो अगर आपको नहीं पता एक्टली exactly कौन चलेगा

एंड साथ साथ में ये भी है कि उनका जो बोलिंग टाइप है वो इस ट्रैक पे कितना यूज होगा वो भी एक और क्वेश्चनेबल चीज है क्योंकि एक अच्छा चांस है कि मुंबई यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी लेकर आ जाए क्योंकि उन्होंने अब तक जो ट्रैक्स पे खेला है वो बैटिंग सपोर्टिव रही है तो मे भी ये चांस रहेगा उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्पिनर मे बी ऋतिक शौकीन आ जाए इस गेम में क्योंकि काफी लेफ्ट हैंड है लखनऊ में इसलिए हम अभी के लिए कैमरन ग्रीन को नहीं बैक कर रहे हैं एंड काइल काल मैं कुछ नहीं कहूंगा हाँ मैके बारे में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। और कैम ग्रीन देखो अब अपना ड्रॉप कर दिया है तो किसी ना किसी टीम में डेफिनेटली आप ट्राई करना क्या पता कल तीन विकेट लेके जाएंगे एंड ओर में बॉलिंग भी करेगा आइडली होना नहीं चाहिए क्योंकि हाँ। आकाश मधवल का फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा है एंड दैट्स इंश्योर कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ रही है टू लुक टू समी एल्स एज ऑप्शन तो अगेन uh, वो लॉजिक है कि अगर ऊपर नहीं बैटिंग कर रहे इस डेक पे बैटिंग करने आएंगे तो कितने इफेक्टिव होंगे इट्स इट्स अ गेस ओनली तो इसके लिए हमने उन प्लेयर्स को बैक किया है जो इस कंडीशन में सक्सीड करने चाहिए थोड़ा बहुत जितना भी हो उतना कायल में नो नो कमेंट्स चल बॉलिंग सेक्शन कुछ बरसे नहीं बॉलिंग सेक्शन में हमने लिए है पूरी स्पिन की टोली पीयूष चावला अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं अमित मिश्रा है, जैसे हमने कहा अगेंस्ट फुल मुंबई बैटिंग अच्छे मैचअप्स है कुमार कार्तिकीय हु कैन कम हैंडी अब ये डिपेंड करेगा कि कि ये क्या सेकंड स्पिनर रहेंगे थर्ड स्पिनर रहेंगे तो वो हिसाब से टीम में हमारे रहेंगे या निकाले जाएंगे एंड रवि बिश्नो जिनका यूजेज ऑब्वियसली थोड़ा सा वियर्ड रहा है बट गूगली उनका स्टॉक बॉल है तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंडर्स उन्हें टोटली ओवरटेक करके जाएंगे क्योंकि उनका जो एज बॉल है वो गुगली है एंड वो यहाँ पे काम जरूर आएगा बिल्कुल और एक और चीज जो आपको लखनऊ के साथ बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी इज द रोवर डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट और आइडियल Uh, hmm. आवेश दो ही ओवर डालते हैं कभी कभी पहला और फिर बाद में एकदम एंड में आ जाते हैं युद्ध भी हमेशा पहले ओवर में स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हो भी रहा है वो कभी कभी तो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ योर विजुलाइजेशन लखनऊ ऐसी टीम रही है जिसने थोड़ी मस्ती करी है दे कुड गेट इन के गौतम एज वेल मुंबई हैव इनफ ऑप्शन फॉर देम टू जस्ट ट्राई के गौतम फॉर द सेक ऑफ इट और आपको पता है के गौतम फिर बैटिंग से भी दस पंद्रह रन मार दिया चार पांच कैच ले लिया तो फिर फ्री के चालीस पचास पॉइंट का नुकसान हो जाता है तो हिम इन uh, ये नहीं कहूंगा ले लो पर जो था वो यही था यस yes, एब्सोल तो ये रहे हमारी बेस टीम एंड फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स हम उनको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आप जरूर वहां जुड़िएगा एंड आप चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शन की तरफ प्लीज सर अरे नो नो सर आप स्टार्ट कर लो तो देखो ये गेम में तो यू ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल बैक स्पिन तो इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कि अमित मिश्रा बिश्नोई कृणाल पांड्या पीयूष चावला ये सब आपके लिए ऑप्शन है एक थोड़ा मैं लेफ्ट विल ऑप्शन जा रहा हूँ फॉर अ चेंज एंडल वगैरह बहुत इंप्रेसिव लगे हैं जितना भी अब तक वो खेले और स्पिन को डिसेंटली खेले से मेरा मतलब है कि क्लैरिटी रही है कि क्या करना है मेरे को तो वो क्लैरिटी काफी अच्छी होती है अगर इसी यंगस्टर में उतनी क्लैरिटी है कि ये मेरा गेम है और मेरे को ऐसा खेलना है तो थोड़ा प्रेशर है वो जो स्काय रोहित और इन सब पे कम हो जाएगा इफ नेल इज एबल टू पुट अप परफॉर्मेंस अगर तिलक वापस आ जाते हैं तो यस तिलक फिर सीधे सीधे ऑप्शन हो जाते हैं आपके लिए क्योंकि फिर नेहल की बैटिंग स्पॉट कहाँ पर होगी वो देखना पड़ेगा तो फ्रॉम मुंबई इन दैट बैटिंग ऑप्शन ही इज द गाय एंड फ्रॉम लखनऊ आई एम नॉट गोइंग टू फार अवे फ्रॉम द बेस्ट टीम और मैं अभी भी एक कॉमन ऑप्शन को ही सजेस्ट करूंगा इन टर्म मार्कस टॉनिस ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे पर पिछले गेम में भी नॉक खेल के गए थे तो इस गेम में वापस वो कर सकते हैं और एक ओवर डाल लिया और उसी में विकेट मिल गई तो बीस पच्चीस रन और एक विकेट इनफ एक्सपेक्टेशन उन्होंने लखनऊ पिच तो ज्यादा फॉर्म से मस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं एंड टू ऑप्शन यस फेयर एंड अफ एंड दिस गेम आई थिंक ज्यादा कोई ऑप्शन बचे हैं नहीं बट वाइल मे बी ये कंडीशन के हिसाब से ना सूट करे बट एटलीस्ट जो हमने एक हाइपोथिस रखा था की जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे मे बी उनको एक फेवर मिल रहा है एट द स्टार्ट विद बेटर बैटिंग कंडीशन डिकॉक इज माई फर्स्ट पिक आई थिंक कीपिंग से उनको पॉइंट मिल जाएंगे मुंबई इंडियंस के लिए पहले खेल चुके हैं स्ट्रैटेजी अच्छे से समझते हैं ऐसा कोई पेसर नहीं है जो अप्रंट आके उनको ऐसे डिस्टर्ब कर जाए ना उनके पास ऐसा कोई ऑफ स्पिनर है जो अप्रंट आके उनको डाल ले अनलेस वो कोई टीम में चेंज कर ले सो आई थिंक क्विंटन टिकॉ गुड शॉट फॉर ट्वेंटी फाइव थर्टी क्विक रन लॉर्ड बाउंड्री बोनस पॉइंट एंड साथ में विकेट कीपिंग पॉइंट्स एंड मेरे दूसरे पिक जो टोटली totally अपोजिट है बट अगर आ जाते हैं प्लेइंग इलेवन में

मतलब इफ इफ दैट इज व्हाट यू सजेस्ट द ग्रीन के बदले स्टब्स तो स्टब्स जॉर्डन जेसन एंड यप देयर इज आल्सो गुड चांस दैट दे मे बी इवन रिड्यूस वन लाइक फॉरेन पेसर बिकॉज़ इवन जॉर्डनस फॉर्म हैज नॉट बीन इनकरेजिंग सो आई डोंट नो मे बी जॉर्डन और जेसन आल्सो इज नॉट गोना गेट Any help from the track, so I don't know. Maybe there's yeah, possible. The possible. It's and plus luck now batting is yeah, lucknow batting is full of foreigners again. So spin we yep. can be can create an issue. So let's see. Yeah, cool. thoda left field choice hai, But kale is a road track And yep. here, thank you so much to everyone who tuned in. And like always, keep please keep in mind this game may be habit forming or financially risky. So responsibly play एंड जो ऐप्स है लिंक्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे फ्री कॉन्टेट्स है तो जल्दी से जाके खेल लो वील मीट यू वेरी सोन फॉर यू थैंक यू सो मच प्लीज टेक स्मार्टली